जी जनाब, तो हम ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और हाँ, एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करें तो प्लीज़ इसका एक पिक्चर ज़रूर ले लें, क्योंकि इतनी बड़ी पार्किंग है कि आप भूल जाते हैं कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज एरिया है, और मैंने थोड़ा तेज़ कर रही हूँ ताकि हम जल्दी आपको दिखा सकें। ग्लोबल विलेज आने के लिए आपको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, टिकट परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको रिजनेबल पड़ता है। ये देखिए इसका ऐप है, और अब हम इंटर हो चुके हैं। ये इंडिया का पवेलियन नज़र आया, और ये बच्चों का किड्स थिएटर। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, फन राइड्स और मज़े मज़े के खाने, और पूरी दुनिया के पवेलियन यहाँ मौजूद हैं, जो आपको बोर होने नहीं देते, आप इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और मेरे साथ रहिए और देखिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये हम टर्किश पवेलियन में आए हैं। टर्किश कुजीन आपको पता है, स्पेशली आइसक्रीम, यहाँ की स्वीट्स, मिठाई जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं अभी चीज़ें, और देखिए अभी मैं कुछ परचेज़ भी करूँगी यहाँ से, मुझे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं। दुबई ग्लोबल विलेज, इट्स अ बिग इवेंट आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस तरह का है कि आपको हमेशा विंटर में ही शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब समर स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले ही बंद हो जाता है। तो ये यहाँ की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। आप टूरिस्ट हैं तो एज अ टूरिस्ट आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस सीज़न में ज़रूर आएँ, विज़िट करें। और अगर मैं आपको डेफिनेटली यही कहूँगी कि आपने ग्लोबल विलेज ज़रूर आना है, और आके यहाँ पे आप ट्राई कीजिए चीज़ें यहाँ पे सब, और आप कुछ ले ना लें, यहाँ पर जो मोरक्कन ऑयल है वो ज़रूर परचेज़ करें, ऑर्गन ऑयल यानी कि मोरक्कन पवेलियन से, बहुत ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए और बालों के लिए भी। और मेरी ये सजेशन है, देखिए टर्किश आइसक्रीम का। और जनाब, हम पाकिस्तानी पवेलियन के पास खड़े हैं, ये आपने देखा, अब हम इंटर हो रहे हैं। बहुत रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है। और इनाया स्टिल अभी तक स्टॉलर में ही बैठी है, इनाया उतरने का नाम नहीं ले रही हैं, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, क्योंकि इनाया साहब उतर नहीं रही हैं, बहुत कंजस्टेड हो रहा है, बहुत रश है। क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक आपको पता है सब लोग बहुत पसंद करते हैं, लॉन, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है लेस की, तो आप देख सकते हैं स्पेशली लेदर बहुत लोग परचेज़ करने आते हैं, लोकल्स भरे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत कंजस्टेड हो रहा है, बहुत रश है यहाँ पे। आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तानी पवेलियन इतना बिजी है, इतना रश है यहाँ पर, और लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव बोलते हैं। मैंने यहाँ से किनारे के लिए स्कर्ट के लिए कपड़ा ख़रीदा है, और लेकिन रिनाया साहब इन्जॉय कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी में नहीं जाना चाहती हैं अभी, वो भीगना नहीं चाहती हैं, शी इज़ जस्ट लुकिंग, हम देख रही हैं सिर्फ सब बच्चों को। और ये है सबसे अट्रैक्शन, सबसे बड़ी अट्रैक्शन ग्लोबल विलेज की, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सारी राइड्स हैं, पर्सनली राइड्स मुझे बहुत पसंद है। और आप यहाँ आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और राइड्स का भी यही है कि आप पहले से बुकिंग करा सकते हैं, तो उसमें आपको ऑल राइड्स अवेलेबल होती हैं, और सस्ता भी पड़ता है आपको। ये देखिए डिफरेंट, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बलून्स एवरीथिंग, और बाइट साइज स्नैक्स ऑल्सो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए लंदन आए, दुबई आए, लाइक दैट, दिस वन ऑल्सो इट्स वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर परफॉर्मेंस भी होती हैं, ये एक इन्होंने राइड्स रखी हुई है, लंदन आए, दुबई आए, सॉरी। ये किड्स थिएटर की परफॉर्मेंस है, और जिसका मैंने एक शुरू में भी आपको क्लिप दिखाया है स्टार्ट में वीडियो पे, तो ये वहीं की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए, ये तो बॉलीवुड जो मैंने आपको बताया ये उसकी परफॉर्मेंस इसका है। और यहाँ पे बहुत रश होता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, और बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं, तो प्लीज़ आप जब यहाँ आएँ तो आप इंजॉय करेंगे यहाँ पर आके।
यहाँ का फूड, डिफरेंट कुजींस, और यहाँ पे एशिया स्ट्रीट के नाम से एक स्ट्रीट बनाई है जो अभी आपको मेरे व्लॉग में नज़र आएगी। अभी हम डिफरेंट पवेलियन के पास से गुजर रहे हैं, अभी आपको नज़र आएगी एशिया स्ट्रीट के नाम से। दैट वन ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। फ्लोटिंग मार्केट, ट्रेन मार्केट जो अभी आगे नज़र आएगी आपको मेरे व्लॉग में। और ज़रूर विज़िट कीजिए उन जगहों का, क्योंकि आप एक्सप्लोर जितना चीज़ें करते हैं हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको यकीनन मज़ा आएगा। और यहाँ ज़रूर आएँ, हर पवेलियन में उनका अपना फूड है। जी ना, अभी ये हो गया फूड एरिया शुरू। बहुत शदीद भूख लगी हुई है, अभी हम भी देख रहे हैं कि हम क्या खाना है। अभी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ पूरा। इट्स ब्यूटीफुल, सी इट्स ब्यूटीफुल। ये पूरा व्यू है ग्लोबल विलेज का, और ये टर्किश रेस्टोरेंट है जो हमारे सामने था। लेबनीज आई थिंक या टर्किश। जब आप यहाँ पे विज़िट करें तो दुबई में बहुत कुछ है देखने के लिए, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और स्पेशली ग्लोबल विलेज का, अगर ग्लोबल विलेज आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। सारी दुनिया के पवेलियन यहाँ मौजूद हैं, तो आप ये विज़िट कीजिएगा, आपको अच्छा लगना है। बहुत इंजॉय कर रही माशाल्लाह से, और इनाया इंजॉय करती हैं तो हम इंजॉय करते हैं, तो माशाल्लाह से इनाया बहुत खुश हैं। अभी चार्ज हो गई हैं वो, तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है इसका। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब हम चाइना के पवेलियन के अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं, बस लेकिन हाँ अच्छी होती हैं। अगर आपकी मर्ज़ी आप परचेज़ करें, नहीं है तो नहीं करें, इट्स अप टू यू। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत रिजनेबल होती हैं।
ये देखिए इंडियन ड्रेसेस में, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ये चाय और वो सब बेच रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत कलरफुल था उनका, वो साइकिल को उन्होंने पूरा बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। फलस्तीन के पवेलियन में जा रहे हैं, आप देखिए उनकी जो लोकल चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। अब हम लबनान के पवेलियन में एंटर हो रहे हैं, ये देखिए हमारे साथ रहिए और देखिए अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको ग्लोबल विलेज में नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप आइए तो सही और एंजॉय कीजिए मेरी तरह, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। और आप यहाँ जब भी आएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरा ब्लॉग देखा था तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से दे सकूँ कुजीन के बारे में, स्टॉल्स पवेलियंस के बारे में, एवरीथिंग। यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट भी है चाट स्ट्रीट के नाम से, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, उसको भी देखिएगा। वहाँ पे सब स्नैक्स टाइप की चीज़ें हैं और ज़बरदस्त टेस्टी हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आगे फ्लोटिंग मार्केट जिसके मैंने आपको पहले बताया था, इट्स ब्यूटीफुल, और इसको भी विज़िट कीजिएगा, इट्स टोटली डिफरेंट। और एक ट्रेन मार्केट भी है यहाँ पर जो मैंने पहले आपको अपने व्लॉग में दिखाया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हर पवेलियन में परफॉर्मेंस हो रही होती है इंडिविजुअली, तो यहाँ पे अफ्रीका के इसमें है पवेलियन में, यहाँ भी देखें परफॉर्मेंस हो रही है। और यहाँ आप इस तरह हर जगह देखते रहेंगे और एंटरटेन होते रहेंगे। ये देखिए ये है रोड ऑफ एशिया, ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया है, ये नया है अभी इसका, ये इजाफा है इसमें, इट्स ब्यूटीफुल। ईरान का पवेलियन पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, दैट वन इज़ ब्यूटीफुल। और आपको पता है ईरान के इसमें ज़ाफ़रान और किशमिश और अनार, टू मच सो मैनी थिंग्स यहाँ पर होते हैं जो आप परचेज कर सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। जी जनाब, तो ये है इंडिया का पवेलियन और बहुत कलरफुल है इनका एंट्रेंस, बहुत खूबसूरत बनाया है।
और ज़रूर विज़िट कीजिएगा। देखिए अमेजिंग फायरवर्क्स हो रहा है अभी यहाँ पर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। आई होप यू एंजॉय दिस। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और मुझे बताइएगा आपको टूर कैसा लगा ग्लोबल विलेज का, और फायरवर्क कैसा लगा, स्पेशली पवेलियन कैसे लगे, और फीडबैक मुझे देते रहिएगा। आपकी सपोर्ट मुझे मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। पवेलियन कैसे लगा है आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। हमने पूरा टूर कराया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।